हाय गाइस, वेलकम टू टाली चॉकलेट 24। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंबिका कोटन्स कंपनी के शेयर प्राइसेस के बारे में। आखिर हमें स्टॉक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बात करें अंबिका कोटन्स मिल्स लिमिटेड कंपनी की, तो हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तकरीबन 7.5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। फिलहाल जो कंपनी के शेयर कारोबार कर रहे हैं वो 1985.25 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। अगर आप अंबिका कोटन का चार्ट देखोगे डेली टाइम फ्रेम पर, तो आपको देखने को मिलेगा हमें हाल ही में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, उसके बाद हमने अच्छी खासी तेजी की आशंका जताई थी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस था वो था 1879 के लेवल पर, जिसका भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिला पिछले ट्रेडिंग सेशन में। कहीं ना कहीं आप देखोगे फिलहाल जो कंपनी के शेयर प्राइसेस अपने ओवरबोट जोन में चल रहे हैं, और जिस हिसाब का वॉल्यूम हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं किसी बड़े प्लेयर की एंट्री अंबिका कोटन्स मिल्स में हुई है। जब भी हमें इस तरीके का वॉल्यूम स्पर्ट देखने को मिला तो समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई बड़ा प्लेयर स्टॉक में एंट्री किया है। फिलहाल हम देखें तो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, उस ट्रेडिंग सेशन में तकरीबन 201,000 शेयर ट्रेड हुए हैं अंबिका कोटन्स के। भाई आप देखोगे कल के लिए यानी कि मंडे के लिए अभी से 2610 क्वांटिटी बाय साइड से लगी हुई है। फिलहाल आप इस स्टॉक को अपने रडार पर रख सकते हो शॉर्ट टर्म तेजी के लिए, क्योंकि कभी भी हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है अंबिका कॉटन्स के अंदर। फिलहाल आप देखोगे ओवरऑल अच्छे स्पीड से हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम पिछले 5 दिनों के रिटर्न देख लें तो तकरीबन 23% के रिटर्न पिछले 5 दिनों में अंबिका कॉटन्स दे चुका है। तो नेक्स्ट वीक में भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अच्छा खासा वॉल्यूम हमें अंबिका कॉटन्स के अंदर देखने को मिल रहा है। एक चीज और, इस वीडियो में कोई भी बाय और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। थैंक यू।